तो दोस्तों हमारे पास है ये कॉनिकल फ्लास्क। ये एक कोन की शेप में होता है, ऊपर से इसका मुंह थोड़ा टाइट होता है और नीचे से ये खुला होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है टाइट्रेशन के लिए, जब आप किसी सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं। इससे बाहर नहीं गिरता वो सॉल्यूशन, आप इजीली इससे मिक्स करके टाइट्रेशन कर सकते हैं। और अगला हमारे पास ये ग्लासवेयर है फ्रेंड्स, ये है बिकर। ये ग्लास का बना हुआ है और इसके यहाँ पे बिक बनी होती है। ये छोटे और बड़े साइज़ में अवेलेबल होता है, जिस तरह कोई 400 ml का है, कोई 50 ml का है। ये देखिए यहाँ पे इसके ये बिक बनी होती है, ये चोंच की तरह, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बिकर। इसमें आप कोई भी केमिकल मिक्स कर सकते हैं, इजीली एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हमारे पास आता है फ्रेंड्स ये फनल, ये ग्लास फनल है। और ग्लास फनल से हम किसी भी केमिकल को बिना बाहर गिराए एक ग्लासवेयर से दूसरे ग्लासवेयर में हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना हमें चाहिए, तो इसे कहा जाता है फनल। और अगला हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्लासवेयर है, जिसे कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर। इसे हम कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन अगर हमने मेज़र करना है तो ये बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट बताता है। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है, जिस तरह ये वाला है मेरे हाथ में अभी 10 ml का, और जो चौड़े वाला है ये वाला दूसरा है 25 ml का। बड़े और छोटे साइज़ में भी अवेलेबल होता है। और ये है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है ये ग्लास का बना हुआ वॉच ग्लास। इसके ऊपर हम कोई भी केमिकल रख के हमने उसकी कलर अगर चेक करना है तो हमें इसके ऊपर रख के हम इसे कर सकते हैं, इससे हम वेट भी कर सकते हैं। और अगला आता है हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब, बहुत ही कॉमन डिवाइस है ये यूज़ होने वाला केमिस्ट्री में। और इसके साथ लगता है ये टेस्ट ट्यूब होल्डर, अगर लाइक हमने इसमें किसी सॉल्यूशन को हमने हीट करना है किसी सॉल्ट को, तो हम इस पे होल्डर के साथ लगा के इसे हीट कर सकते हैं। इससे हमारे हाथ में कोई भी हीट नहीं लगेगी और हम सेफ़ रहेंगे। इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। और ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए, उठाने के लिए काम आता है, लाइक वी आर डूइंग एनी हीटिंग पर्पस। और अगला आता है हमारे पास एपरेटस, ये है स्पैचुला। इससे हमने कोई भी कंपाउंड अगर उठाना है, कोई भी केमिकल उठाना है, तो इससे हम उठा सकते हैं। अगर हीट भी करना है किसी केमिकल को, डायरेक्ट हम इसके साथ हीट कर सकते हैं। इसे स्पैचुला कहा जाता है। और ये एक डिवाइस है हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिस तरह हमने किसी टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन रखा है तो हमने उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है कि वो बाहर ना गिरे, तो हम इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर इस तरह लगा के यहाँ पे इस होल के अंदर डाल के इजीली छोड़ देंगे, तो उसमें ये लगा रहेगा। इसे टेस्ट ट्यूब होल्डर कहा जाता है। और ये हमारे पास बर्नर, लाइक अगर हमने किसी भी चीज़ को बर यहाँ पे हीट करना है, गर्म करना है, तो हम इसे बर्नर को यूज़ कर सकते हैं। और ये आता है हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके थ्रू हम कंपाउंड इसके अंदर डाल के किसी बीकर को रख के हम हीट कर सकते हैं। और उससे पहले लगता है ये वायर गेज, इससे हमारा कोई भी ऑपरेटर्स जो है ग्लासवेयर है वो काला भी नहीं होता, और इसके थ्रू इसके ऊपर रख के हम इसे हीट कर सकते हैं। और अगले पास हमारे पास फ्रेंड्स ये हैं बॉटल्स हैं कुछ, जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ है। इसमें अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं और ये इसके ऊपर ड्रॉपर लगा हुआ है, जिससे आप जितना चाहे अपना सॉल्यूशन ये निकाल सकते हैं। और इन बॉटल्स को कहा जाता है रीजेंट बॉटल्स। इसमें कोई भी अलग अलग सॉल्यूशन हम डाल सकते हैं, ऊपर लेबल लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें इजीली पता लग जाए हमने इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन रखा है। इसके ऊपर ड्रॉपर लगा होता है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेफ हमारे पास है अपरेटस है फायर एक्सटिंग्विशर। लाइक इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी होती हैं, हम फायर से बच सकते हैं। और ये हमारे पास एक बोतल है जिसे कहा जाता है वॉश बोतल। इसमें आप कोई भी सॉल्यूशन डाल के या वाटर से अगर आपने किसी ऑपरेटर्स को, किसी कंपाउंड को, केमिकल को हमने वॉश करना है, तो हम इसके थ्रू वॉश कर सकते हैं। इसमें पानी भर लेंगे और जो आगे वाला नोज़ल है दबाने के बाद उसमें से सॉल्यूशन निकलेगा। और ये हमारे पास है मेजरिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें यहाँ पे एक रिंग बना होता है जिसके अंदर यहाँ पे मेंशन होता है कि इसका कितना वॉल्यूम है। लाइक अभी जो मेरे हाथ में है ये पूरा 250 ml का है, तो अगर मैं इसके अंदर सॉल्यूशन डालूंगा, जो ये रिंग बना हुआ है फ्रेंड्स, इस रिंग तक ये सॉल्यूशन पूरा 250 ml ही होगा। ये बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट होती है। इसे कहा जाता है
और ये हमारे पास वेइंग मशीन या जिसे बैलेंस भी कहा जाता है, बैलेंस मशीन भी कहा जाता है। इससे पहले ज़ीरो सेट करके आप इसके ऊपर रख के कोई भी कंपाउंड रख के अपना केमिकल जितना आपको चाहिए मिलीग्राम में आप इसे मेज़र कर सकते हैं। और अगला हमारे पास ये डिवाइस है फ्रेंड्स, इसे ड्रॉपर कहा जाता है। लाइक अगर हमने किसी लिक्विड सॉल्यूशन को हमने उठाना है और कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो इसके ऊपर ये रबड़ का ड्रॉपर लगा होता है और इससे हम इसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे ड्रॉपर कहा जाता है। और अगला ऑपरेटर सर फ्रेंड्स हमारे पास चाइना डिश, ये चाइना चीनी मिट्टी की बनी होती है और इससे हमने कोई भी कंपाउंड हमने अगर हीट करना है या उसे काफ़ी टाइम के लिए रखना है और ज़्यादा हीट करना है तो हम इसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगला हमारे पास डिवाइस है पिस्टन और मोटर। ये हमारे पास लाइक हमने अगर किसी दो केमिकल को मिक्स करना है, अच्छे से उसे क्रश करना है तो हम इसे पीसने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं और ये इसे कहा जाता है पिस्टन एंड